अकबर अपनी अता से बुलवा। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग होगी यहाँ से, ठीक है ना। अभी 20 मिनट कम 6 बज गए, हमने सोचा था हम जल्दी उठेंगे, हमने सोचा था हम करीबन 3-4 बजे उठेंगे, उठे थे हम 3:30 बजे, ठीक है ना। बट हमें हम उठ गए, हमने फ़ोन लगा के रखा था, इसको निकाल दिया, तो फिर हम जैसे वहाँ पे बैठे हमें नींद पड़ गई। लेकिन हम सोए कब थे, हम सोए 1:30-2 बजे थे, ठीक है ना। 2 बजे हम सोए थे, फिर 3:30 बजे उठ गए, तो अभी थोड़ा लेट हो गया। मैंने सोचा था मैं आज भी जमात जो है ना उधर ही पढ़ूंगा, किधर, मस्जिद अल हरम में, ठीक है ना। तो लेकिन नहीं हो पाया, चलो अभी जाएंगे इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उधर से मस्जिद आयशा, हाँ मस्जिद आयशा यही नाम है, तो मैं पता करूंगा, वहाँ पे जाना है मुझे, अहराम बांधना है, ठीक है। मैं बता दूँ आपको, मैंने कल भी बोला था कि अहराम जो है ना, जब हम दूसरी बार उमरा करेंगे, तो अगर हमें इसी अहराम से दूसरी बार उमरा करना है, हमें ये रूम है यहाँ पे, वॉशरूम है यहाँ पे, सब कुछ हम यहाँ से नहा के जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम कहीं रूम से नहा के नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं, इसके लिए अलग मस्जिद है, हमें वहाँ पे जाना है, अलग नियत करनी है, ठीक है ना। दो रकात से नमाज अदा करनी है, तो वहाँ से हमें उमरा के लिए सीधा आ जाना है, ना कि रूम पे। तो हम क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, इधर से है वो 22 किलोमीटर, ठीक है ना, हाँ 21-22 किलोमीटर। तो हम वहाँ पे जाएंगे, वो मस्जिद दिखाएंगे आपको, वो जगह दिखाएंगे आपको, वहीं पे हम नहाएंगे, ठीक है ना, फ्रेश हो जाएंगे। हमें अभी एक साबुन यहाँ से उठानी है, बस वो साबुन क्या होती है, उसको जैसे हमने यूज़ किया ना एक बार, बस उधर ही फेंक देना है उसको, ठीक है ना। तो वैसे अभी हम उधर जाएंगे, नहाएंगे, वापस आएंगे, तो बस स्टार्ट उमरा करेंगे दूसरा वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत किस्मत वाले यार कि अल्लाह के घर पे हमारा दूसरा उमरा भी हो रहा है यार, बहुत खुश है यार, बहुत खुश है। सो चलो आप लोग भी दुआ करना, ठीक है ना, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने यही दुआ किया है कि अल्लाह हर एक को ना यहाँ पे ला, ठीक है, क्योंकि सबकी ख्वाहिश है हम भी मक्का आए, मदीना आए, ठीक है। सो चलो करते काम, यहाँ से निकल चलते हैं, अभी करते हैं रूम लॉक और चलते हैं। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम रूम से बाहर निकल गए, ठीक है ना। ये सुबह सुबह का कुछ नज़ारा है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये देखो उमरा वाले तैयार हो चुके, यहाँ पे हमारी बस आती है, ठीक है ना, जिसको वापस जाना पड़ता है वो यहीं से चला जाता है, और जो नया आता है उसकी बस भी यहीं पे आती है, ठीक है ना। जैसे ये सामने बस लगी है, ये बस जब हमने टिकट निकाली उधर से, तो ये बराबर हमें होटल के पास छोड़ देती है रूम में, ठीक है। सो चलो अभी यहाँ से चलेंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए, ठीक है ना, बस वाले ने हमें वहाँ पर छोड़ दिया, वहाँ पर थोड़ा सा हमें पाइप लाना पड़ा, और अभी हम यहाँ पे मस्जिद अल हरम के बिल्कुल बाहर, और ये तो हमने यहाँ से साबुन खरीद ली। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद कल मुझे वो जो केरला वाला बंदा मिला था, उसने मुझे बोला था, ठीक है ना, एक जगह का नाम, वो जगह का नाम मैंने लिखा है, नमाज के बाद वही जाते हैं, वहाँ से हमें बस मिलेगी, तो वहाँ से सीधा हम जाएंगे मस्जिद आयशा, वही नाम है, तो अभी फिर मैं पता करूँगा वही है या नहीं है। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं जन्नत में, ठीक है ना। जब सुबह सुबह हम लोग जन्नत पर पहुँचते हैं ना, तो उस टाइम क्या ही मज़ा आता है, मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है ना। इधर से दिल बिल्कुल भी नहीं निकलता है कि हम बाहर जाए, कहीं और जाए, कुछ भी नहीं। अभी अब रास्ता चेक करो, आज के जुमा के दिन सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो चलो अभी हम चलते नहा के आते और उमरा की नियत करके आते, इंशाल्लाह अहराम लगा के आते, फिर हम भी अंदर जाएंगे। सो गाइज फाइनली अभी हम जा रहे हैं जरवल बस स्टॉप के लिए, ठीक है ना। अभी आप सामने ये जो चेक करो, ठीक है ना, जो मेन गेट है ना इसका खानी काबा के अंदर, वहाँ से आपको आधे किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वो बस स्टॉप मिल जाएगा, और यहाँ से मस्जिद आयशा के लिए, हाँ मस्जिद आयशा के लिए आपको सर्विस मिल जाएगी इनकी यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ का व्यू अभी चेक करो, यहाँ का भी बहुत खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। सो चलो कहते हैं काम, चलते हैं यहाँ से।
सो गाइज फाइनली हम जरवल बस स्टॉप पहुँच गए, ठीक है ना। ये रहा, अब हम यहाँ से सीधा मस्जिद आयशा जाते हैं, ठीक है ना। तो सामने से ये देखो, अभी यहाँ पे हमें मस्जिद आयशा के लिए टिकट निकालनी है। 4 रियाल की यहाँ पे टिकट निकलती है, ठीक है ना। 4 रियाल ज़्यादा नहीं है, 12 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। 12 किलोमीटर में मक्का वाली जो बस है उसमें हमें टिकट निकालनी है 4 रियाल की। 4 रियाल बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से, सो ये चेक करो। चलो यहाँ से टिकट निकालते और चलते हैं। हमने जो है ये 5 रियाल की टिकट निकाल ली यहाँ से, ठीक है, मस्जिद आयशा के लिए। ये देखो सामने, अब हम एक काम करेंगे, 12 नंबर बस उन्होंने बोला, 12 नंबर बस देख के कहाँ पे और चलते हैं। ज़्यादा नहीं लिया मैंने, अभी गूगल पे चेक किया था, 12 किलोमीटर यहाँ से। अगर 12 किलोमीटर टैक्सी वाला यहाँ कुछ भी नहीं ना लेगा, 50 रियाल से कम नहीं लेगा, ठीक है, 40-50। हाँ वहाँ तो वो 15 रियाल 10 रियाल 20 रियाल 3-3 किलोमीटर में लेते हैं, तो 12 किलोमीटर में यहाँ पर कितना लेंगे। अगर आप यहाँ पर आते हो ना तो आपको क्या करना है, जो मेन गेट है ना वहाँ से सीधा आना है, 1 किलोमीटर अंदर आ जाना, ठीक है। जब 1 किलोमीटर अंदर आ जाओगे तो आपको ये बस स्टॉप दिखेगा, यहाँ से आपको ये टिकट लेनी है, तो बस सीधा, ठीक है ना। बस में बैठ गए, ठीक है ना। अभी हम यहाँ से निकल गए, ये चेक करो। अभी वहाँ पे हम नहा के आते हैं, नियत करके आते हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह फिर हमारा दूसरा उम्र जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं हम। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए मस्जिद आयशा। तो आप सामने का व्यू, सामने का नज़ारा चेक करो। यहाँ पे अल्लाह के जितने घर हैं ना, ये इतने प्यारे हैं ना, इतने खूबसूरत हैं ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो सो चलो करेंगे एक काम, पहले हम नहाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से उमरे के लिए। अभी आप यहाँ से भी चेक करो, ठीक है, यहाँ से भी बहुत रश है। देखो अब हमें क्या है, यहाँ पे जो है हमें जगह मिलनी चाहिए नहाने के लिए वॉशरूम में। सो फाइनली गाइस हमने नहा लिया, ठीक है ना, नहा के हम बाहर आ गए, नियत कर ली वहाँ पर। अब यहाँ पर नियत करेंगे, ठीक है ना, और दो रकात नमाज अदा करेंगे और यहाँ से चलेंगे हम दूसरे उम्रे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हरम चलेंगे। फाइनली हम अंदर आ गए, ठीक है ना। ये है मस्जिद अक्सा अंदर से, एंजॉय करो। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज पढ़ के भी निकल गए, ठीक है ना, नहा के भी निकल गए। अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम यहाँ से बस पकड़ेंगे सीधे हरम के लिए, ठीक है। तो वहाँ से करते हैं तवाफ स्टार्ट, हम करेंगे उम्र हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हमें उम्र भी कबूल करे, ठीक है। दुआ देना आप लोग भी, मैं भी आप लोग के लिए हमें दुआ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो है 14 किलोमीटर हरम दिखा रहा है, ठीक है ना। अभी देखना 14 किलोमीटर में हम टैक्सी वाले को कहते हैं कि कितना किराया है, ठीक है। और बस का जो है ना, वो वहाँ से जो बस निकल रही है उसका 4 रियाल है। अभी यहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही है, ये गाड़ी आएगी ना आगे, तो उसको हम बताएंगे। ये देखो आप खुद 14 किलोमीटर है, ठीक है ना, ये देखो। सो अभी इसको कहते हैं कितना लगेगा वहाँ तक, तो आप भी देख लेना, मैं भी देखता हूँ कितना मांगेगा कितना नहीं मांगेगा। अभी ये भाई साहब तो आगे नहीं आ रहे, ये मस्जिद आयशा है, ठीक है ना, देखो। अभी उसको बताते हैं, ठीक है ना, कितना लेता है ये हरम के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं 14 किलोमीटर में। कम फ्लूस, कम फ्लूस वे हरम आईवा لحالك اطلع بيك لحالك 20 عايز تطلع معي تستنى نركب واحد واحد يجي 5 5 ما في ماله ماري بك 5 ريال الحرم بس هي حد يجي معك 5 ريال الواحد بس محمل ثاني 5 مينس 5 5 مينس 5 مش فاهم مش معلوم بتقول ايه 1 2 3 4 5 5 مينس 5 5 ريال
5 ريال ايوه على الواحد ايوه وايد ها 2 3 معك حدا؟ ايوه بكام؟ 2 اوكي سو جايز فاينلی یہ بھائی صاحب جو بول رہے جہاں تک میں پورا نہیں سمجھا لیکن میں سمجھ رہا ہوں یہ بول رہا ہے 5 ریال لیکن بول رہا ہے میں دو کو پیچھے بٹھاؤں گا دو یا تین کو ایک آگے تو چلو دیکھتے کیا کہتے پھر تو صحیح ہے یار پھر کوئی تو کچھ مہنگا نہیں ہے یار پھر ٹیکسی میں جاؤ بس میں جاؤ کوئی مشکل نہیں سو گائز فائنلی ہم پہنچ گئے دیکھو ये 74 गेट है वो शायद 79 है ठीक है ना तो वहाँ से देखो कितने लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कहाँ पे पहुँच गए चलो चलते हैं अंदर गाइस हम वहाँ से गए थे 74 नंबर से ठीक है ना गेट से वहाँ नहीं जाने दिया क्योंकि तो मैंने कहा था ना यहाँ से 79 नंबर है तो यहाँ से बोरे जाने के लिए 79 से अब हम अंदर जा रहे हैं بہت ہی زیادہ رش ہے ٹھیک ہے نا چلو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں نے جو ہے دوسرا عمرہ یہاں اسٹارٹ کیا اور ماشاء اللہ یہاں نظر جب میں اس کو پر نظر ڈالتا ہوں نا تو یار سب کچھ بھول جاتا ہے انسان مانگے تو مانگے کیا ہے سب کچھ یہاں بھی بھول جاتا ہے یہاں تک کہ یہاں گھر بھی یاد نہیں رہتا ہمارا کوئی گھر ہے یا نہیں ہے कुछ भी यहाँ याद नहीं रहते बस इतना याद रहता है ना मैं यहीं पे रहूँ ठीक है ना ये जो मेरी आँखें देख रही है ना ये मन क्या होता है आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये फिर मैं पहुँचा काश ऐसा हो चलो करते यहाँ से तो आप स्टार्ट गाइस फिर इंशाल्लाह दिखाते आपको और इस कितने पास से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ठीक है चलो करते काम अंदर बढ़ना है यहाँ मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है جمعہ کے دن یہاں پہ دیکھو لڑائی ہوتی ہے کہ آپ کے سپنے یہ دیکھو یہاں پہ فرسٹ صفحے کے لیے فائنلی گائز جمعہ کی نماز ہو گئی الحمد للہ ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے میرا طواف ہو چکا تھا اب کیا کرنا ہے اب مجھے صفحہ مروہ میں جانا ہے ٹھیک ہے نا صفحہ مروہ میں مجھے 7 چکر مارنے ہیں تو اس کے بعد مجھے بال کاٹنے ہیں بال تو میں نے پہلے کاٹے آج تھوڑا اور کاٹنا ہے تو پھر ہو گیا ہمارا عمرہ کمپلیٹ الحمد للہ سو چلو ابھی کرتے ہیں کام چلتے یہاں سے صفحہ مروہ میں سو فائنلی گائز یہاں سے ہوتا ہے ہمارا صفحہ مروہ اسٹارٹ ٹھیک ہے نا یہاں سے میں فرسٹ راؤنڈ اسٹارٹ کروں گا تو مجھے جو ہے 7 راؤنڈ کرنا ہے 7 راؤنڈ ٹھیک ہے سو چلو یہاں سے چلتے یہاں پہ میرا فرسٹ راؤنڈ یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا چلو کرتے ہیں پھر اسٹارٹ سو فائنلی
गाइस हमारा जो सफ़े मरवा है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, हमने थोड़े से बाल कटवाए, ज़्यादा नहीं कटवाए थे नहीं हमारे सर पे कुछ तो कटवा दिए क्या, ट्रिमर लगा लिया वहाँ थोड़ा, तो लाजमी ये करना पड़ता है। अभी फाइनली हम इधर से बाहर निकल फिर इधर से सफ़े मरवा है। अभी अब मेरे पीछे लोकेशन चेक करो हम कहाँ पर थे। अभी हम ये काम करेंगे, यहाँ से अब जाएंगे रूम पे क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते क्या करते हैं, खाना नहीं खाया इधर। आबी जमजम जो है ना वही सुबह से पी रहा हूँ, सुबह मैंने जब मैं नींद से उठा था तो इधर आया डायरेक्ट वही पिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। अभी जाएंगे खाएंगे भी और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ भी यहाँ पे होगी और दूसरा उम्रा भी हो गया। सो फाइनली गाइज हम पहुँच गए रूम पे वापस, ठीक है ना। तो आज का व्लॉग आपने देखा, बहुत थक गए, अब रेस्ट करेंगे, अब ज़्यादा हिम्मत नहीं बनाने की। तो चलो करते इस प्यारे से व्लॉग को एंड। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मेरा दूसरा उम्रा कंप्लीट हो गया, मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है ना। दूसरा उम्रा भी कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इस व्लॉग को यार स्किप कहीं नहीं करना, ठीक है, अच्छे से देखना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, अल्लाह हाफिज़।